तो हमने अभी तक क्या किया, चार मैक्सवेल की इक्वेशंस की, ये फिर से लिखी गई हैं चार मैक्सवेल की इक्वेशंस। इसके अंदर ये बताया गया है नेक्स्ट पॉइंट पे कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ईएम वेव में साइनोसाइडल भी होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेव की प्रोपगेशन है। तो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जेड के अलॉन्ग है, वेव की प्रोपगेशन यहाँ पर एक्स के अलोंग है। लिख दिया यहां तक। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस के अलोंग है, वाई। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस के अलोंग है, वाई। तो पीछे कौन सा कैप लगेगा, जे। जे ठीक है यहां तक। तो जे कैप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये वेव की इक्वेशन याद करनी पड़ेगी। हमने प्लस वन के अंदर भी की थी, वेव की कई फॉर्म ऑफ इक्वेशन थी, उनमें से ये भी एक इक्वेशन थी। तो आपको याद करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है साइनोसाइडल वेरिएशन में, वो इसके इक्वल होती है ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, वेयर के क्या होता है, के होता है 2π/λ, या फिर के का मतलब होता है ओमेगा बाय वेलोसिटी वी ऑफ द वेव। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो पीछे जे कैप इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जे के लॉन्ग है। आप ऐसा भी कर सकते हो, वेव की इक्वेशन चेंज भी कर सकते हो। कैसे? के क्या होता है 2π/λ, ओमेगा क्या होता है 2π × फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/टाइम पीरियड। तो यहाँ से 2π कॉमन आ गया और फ्रीक्वेंसी की जगह 1/टाइम पीरियड। तो कई बुक्स वेव की ये इक्वेशन यूज करेंगी, कई ये यूज करेंगी, आप कोई भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है यहाँ तक। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड किसके अलॉन्ग है, जेड के अलॉन्ग। तो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन भी बिल्कुल वैसी साइनोसाइडल चलती है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है। ई नॉट की जगह बी नॉट है, साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी के पीछे के कैप। ये स्टेप भी क्लियर है यहाँ तक। और ऐसे भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इज ऑलवेज गिवन बाय ई अपॉन बी या ई नॉट बाय बी नॉट। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की वैल्यू को मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वो रेशियो क्या हो जाएगी आपके पास, सी आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और उससे भी इंपॉर्टेंट एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन को देखें या मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन को देखें, इसमें ये के साथ कोफिशियंट देखें क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ये वेव प्रोपगेशन शो करता है। तो ये जो वेव के साइन के अंदर जो इक्वेशन है उसमें अगर ये एक्स चल रहा है तो एक्स क्या शो करता है आपको, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेव की प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। लिख लेना ये एक्स एक्सिस, ये एक्स यहां पर क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। वो यही घुमाएगा पेपर के अंदर, यही घूमोगे, वो क्या करेगा यहां पर वाई कर देगा कल को, तो वेव प्रोपेगेशन वाई के लॉन्ग है। वो जेड कर देगा, जेड के लॉन्ग है। वो एक्स करेगा, एक्स के लॉन्ग है। तो यहां से पता लगता है कि वेव की प्रोपेगेशन कहां पे है। ठीक, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी क्लियर है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। सी क्या होता है, 1/√μ0ε0, और वी क्या होता है, अगर मैं मीडियम चेंज कर दूं तो म्यू की जगह म्यू एम, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन एम, तो यानी कि वैक्यूम की जगह मीडियम, मीडियम हो गया, तो स्पीड सी नहीं रहेगी, चेंज होके वी हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है,